हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। आप में वो अट्रैक्शन है, वो ताकत है आप में कि आप किसी को भी अपने पर्सन बना सकते हो, आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्रेंस दे सकते हो। आपके पर्सन आपको याद करते हैं, आप दोनों के बीच में इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, इतनी स्ट्रांग एनर्जी है, इतनी स्ट्रांग अट्रैक्शन है कि वो आपसे दूर जाने का, आपसे अलग होने की बातें सोच भी नहीं सकते हैं। वो आपको मिस करते हैं, वो एक तरीके की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे हैं आपके पास आने की, आपको आपको प्रपोज करने की, आपको देखने की। उन्हें सबसे ज़्यादा ये चीज़ रहती है कि आपसे कब मिले, आपसे कब मिले, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनके दिल में आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रही है। वो आपसे इस वक्त, इस प्यार के रिश्ते के इस फेज़ में वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो आपको बहुत अच्छा पाते हैं, वो आपके बारे में हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उन्हें लगता है आप दोनों का ये डिवाइन रिश्ता है, एक सोलफुल रिश्ता है, जिसके बारे में वो कभी किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो जितनी भी आप दोनों की बातें करें वो कम ही लगती है उन्हें। वो एक बार जब आप की बारे में बातें शुरू कर देते हैं तो वो बातें रोक नहीं पाते हैं। इतनी ज़्यादा आप उनके दिमाग में, उनके थॉट्स में, उनके माइंड में रहते हो, उनके हर एक थॉट्स में आप रहते हो। वो जब भी कुछ अच्छी बड़ी सेलिब्रेशन देखते हैं तो आप उनके माइंड में सबसे पहला ख्याल होते हो। वो सोते हैं तो आप उनका ख्याल होते हो, वो उठते हैं तो आप उनका पहला ख्याल होते हो। आप अभी उनके हर एक थॉट में, आप उनकी हर एक बात में बस चुके हैं। वो आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं, वो आपके बारे में इतना सोचते हैं, दिन रात वो आपको याद कर रखते हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे, वो भूलना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, वो बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल है, वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। उन्हें लगता है कि आप उनके लाइफ के एंजल हो, जिससे वो कभी किसी कीमत पे खो नहीं सकते, कभी किसी कीमत पे किसी का होने नहीं दे सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपना बनाना चाहते हैं। उनके अंदर ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि आप उन्हीं के बन के रहो, आप उन्हीं के रहो। वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। उन्हें आपकी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें आपकी हर एक हरकतें बहुत ज़्यादा पसंद है। वो फ़िलहाल आपके प्यार में डूबे हुए हैं। वहीं कुछ बहुत पावरफुल जो सेक्सुअल एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में ये इतना ज़्यादा हावी होता नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये चीज़ें हो सकता है कि आप दोनों को कहीं ना कहीं आप दोनों के इस प्योर ब्लिसफुल लव को लो कर दे, डाउन कर दे, क्योंकि ये चीज़ आप में बहुत, आप दोनों के रिश्ते में बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। हो सकता है आप उनसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हो सकता है वो आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हो। इस वजह से ये आप दोनों का जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं सफ़र करेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है किसी को आप दोनों के बारे में ऐसा पता चल जाए कि हो सकता है आप दोनों ने ये बात अभी तक किसी को ना बताए हो, ये बात किसी को पता चल जाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में इतना स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन होने के वजह से आप दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे बोर होने लग जाओ, एक तरीके की बोरियत आप दोनों के बीच में आ जाए, या एक तरीके की टॉक्सिसिटी आप दोनों के बीच में आ जाए। आप उनकी बात ना समझो, वो आपकी बात ना समझे, आप दोनों की जो बातें हैं वो क्लैश करने लग जाए,
जाएं, आप दोनों की जो बातें हैं वो आप दोनों को समझ में ना आने लग जाए। एक जन है जो बहुत ज़्यादा फिजिकल अटेंशन, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकली एक पर्सन को मतलब उनको वो अटेंशन, वो फिजिकली अपीयरेंस, फिजिकली होना, प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है। वहीं एक जो पर्सन है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इतनी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन अटेंशन अट्रैक्शन उन्हें पसंद नहीं आ रही है। आप दोनों के रिश्ते में ये एनर्जी दिखाई दे रही है जिससे ये जो रिश्ता है, ये जो रिलेशनशिप है, ये टॉक्सिसिटी का बदलाव लेता जा रहा है, क्योंकि एक इंसान को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, एक इंसान को ये चीज़ पसंद नहीं है तो वो ये चीज़ दे नहीं पा रहा है, और इस चीज़ की बार बार डिमांड होने से उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब सा फील हो रहा है। तो इस वजह से आप दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी अप्स एंड डाउन आप लोग फील कर सकते हो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ऐसे लग सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, पर ये चीज़ एक्चुअल में फिजिकल नीड्स की है। किसी को फिजिकली नीड बहुत ज़्यादा है, किसी को कम है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। वहीं आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली क्लियर कन्वर्सेशन दिखाई दे रही है। ये जो भी प्रॉब्लम होगी इसकी आप लोग एक क्लियर कन्वर्सेशन, एक क्लियर डिस्कशन करोगे, एक किसी पॉइंट पर आओगे, एक किसी सल्यूशन पर आओगे आप दोनों, क्योंकि आप दोनों का ये बहुत ही एक ब्लिसफुल डिवाइन एनर्जी वाला लव है और बहुत ही ज़्यादा प्योर लव है। तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉब्लम आप दोनों फेस कर रहे हो, तो इस चीज़ पर आप लोग सॉल्यूशन करोगे, डिस्कशन होगा। कोई एक पर्सन आप में से है जो बात सुनता है, मानता है, समझता है, और एक पर्सन है जो बहुत क्लियर है इस रिश्ते में। आप दोनों के रिश्ते में बहुत साफ क्लियरिटी दिखाई दे रही है किसी एक के तरफ से, वो एकदम फोकस्ड है, क्लियर है, उन्हें पता है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और इस रिश्ते में क्या होना चाहिए, ये रिश्ता कैसा चलना चाहिए, ये वाली एनर्जी बहुत साफ दिखाई दे रही है। जिस वजह से जो आपके पर्सन हैं वो आपके बात समझेंगे, सुनेंगे, और वो ये चाहेंगे कि आप उन्हें गाइड करते रहो, क्योंकि वो हो सकता है कि उनकी तरफ से ही ये जो फिज़िकल नीड है ये इतनी ज़्यादा है और आपके तरफ से थोड़ी सी कम है, जिस वजह से ये जो चीज़ें हैं वो उन्हें समझने की ज़रूरत है। वही है जो इन चीजों पे कंट्रोल ला सकते हैं, वही है जिन्हें थोड़ा सा समझना होगा, और वो आपके बातें समझते हैं, सुनते हैं। आप बहुत ज्यादा क्लियर हो आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आपको एक तरीके से अपनी बातों को पेश करना भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को पेश करते हो, जिस वजह से वो अगला इंसान जो है वो बहुत ज्यादा कन्विंस हो जाता है और बातों को समझ लेता है, हाँ कह देता है। तो वो भी आपके बातों को समझेंगे, आपके हर एक विशेष को पूरा करेंगे, वो इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे आप नाराज़ हो, आप दुखी हो, क्योंकि वो आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। वो आपके तरफ जो प्यार है वो अभी इतना ज़्यादा उनका हाई में है कि वो आपसे मेंटली इमोशनली भी कनेक्ट हो रहे हैं और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि कहीं भी कहीं किसी भी तरीके से वो आपको छोड़े या आपसे अलग हो या किसी भी तरीके की ऐसी बात वो सोचे। वो फ़िलहाल आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही लविंग एनर्जी में है वो आपके साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री गणेश।